एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है, वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को तो नहीं दे रहा ना, दो मैं तो दुकानदार को दे रहा है या फिर जो जिस फैक्ट्री से मैं चौक खरीद रहा हूँ उनको दे रहा है ना, और वो लोग फिर जाके गवर्नमेंट को दे रहा है। इसमें इनडायरेक्ट इनकम टैक्स आप सीधा गवर्नमेंट को देता है ना, तो अलग अलग तरह का टैक्स होता है। तो ये हम गवर्नमेंट को देता है ठीक टैक्स, जो भी एंड में गवर्नमेंट तक पहुंचता है ठीक है। तो गवर्नमेंट इससे क्या क्या करता है, अगर बजट 21,000 करोड़ का है तो उसमें से हाफ यानी कि अराउंड 10,000 करोड़ टैक्स से ही आ जाता है ना। बाकी पैसा हमने क्या बात किया था कहाँ से आता है, जो गवर्नमेंट का कंपनीज है, स्टेट बैंक है, जैसे गवर्नमेंट का बैंक, ये सब इनसे भी स्टील बनाने वाला कंपनी, आयरन बनाने वाला कंपनी, जो भी गवर्नमेंट है उसमें से भी गवर्नमेंट पैसा बनाती है ठीक। और एंड में अगर कभी पूरा नहीं हो पाया, अगर बस सब कुछ मिला के गवर्नमेंट के पास बस 19,000 करोड़ 2,000 करोड़ कहाँ से लाएगा, क्या बात है, टैक्स टैक्स वर्ल्ड बैंक से ले सकता है या फिर किसी पड़ोसी देश से उधार ले सकता है, ये सब करता है ठीक। तो बार बार वही जैसे आप लोगों का सिस्टम है ना, आप लोग भी ऐसे ही करता है, एक बजट होता है महीने में 500 रुपीज है जो भी, उसमें से कुछ खर्चा करता है, डिसाइड करता है कैसे खर्चा करेगा, कुछ सेविंग करता है, अगर कहीं जरूरत पड़ गया कम हो गया तो जाके किसी अपना फ्रेंड से उधार ले लेता है ना। तो वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट बढ़ा लेवल पे भी बिजनेस ये सब भी ऐसे ही करता है, बिजनेस वाला भी हमेशा उनके पास पैसा नहीं होता, वो लोग इसीलिए लोन लेता है, हजारों करोड़ों रुपए का वो लोग लोन लेता है, उसका भी बैंक पे आगे धीरे धीरे और बात करेगा। तो इसी टैक्स हम जो इसलिए देता है गवर्नमेंट को, यानी मना भी कर सकता है ना कल को कि मैं नहीं देगा, इसीलिए देता ताकि गवर्नमेंट हमारा काम कर सके, रोड बना सके, इलेक्ट्रिसिटी दे सके, ये सब हमारा मदद कर सके। तो बार बार एक पहले भी हमने एक आइडिया बोला था क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या था, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, यानी किस चीज का अग्रीमेंट, हाँ हमारा था बेसिकली दो पार्टी दो ग्रुप्स के बीच में एक अग्रीमेंट किसी भी चीज को लेकर, जैसे कि गवर्नमेंट के साथ हम क्या अग्रीमेंट करता है कि हम आपको टैक्स देगा, हम आपका कानून मानेगा, नियम मानेगा, उसके बदले में आप हमारा रक्षा करोगे और हमको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ये सब दोगे है ना। वैसे ही यानी हम दो लोगों के बीच में भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हम सबके बीच में कि मैं तुमको हाँ मारूंगा नहीं, तुम भी मेरे को मत मारो है ना, नहीं तो हर कोई एक दूसरे को मार सकता है ना। तो वैसे गवर्नमेंट के साथ क्या है, मैं तुमको टैक्स दे रहा हूँ, मैं आपका कानून नियम ये सब मान रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे सिक्योरिटी दो, पुलिस दो, अगर कभी चोरी हो गया मेरा मदद करो, इलेक्ट्रिसिटी दो, ये सब ठीक। तो इसीलिए अभी तो ये सिस्टम दोनों तरफ से होना चाहिए ना, गवर्नमेंट अगर आप टैक्स नहीं देगा क्या करती है, अगर मैं कल को टैक्स नहीं देता तो और मुझे देना है अगर टैक्स मैं नहीं देता तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पुलिस पुलिस में डाल देगी ठीक। लेकिन हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ताकि वो काम करे। अब अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रहे तो हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम है ना, जैसे अगर हम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो हमको तो गवर्नमेंट जेल में डाल देगा, लेकिन अगर वो लोग काम नहीं कर रहे तो हम क्या करते हैं, 5 साल वेट करते हैं कि अब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तब शायद उनको हटाएगा ना। हम तो गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कि जब तक तुम ये जैसे रोड नहीं बनाएगा तब तक मैं टैक्स नहीं देगा, समझ रहे ना, वो नहीं चलता है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए टैक्स में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है ठीक। अगर गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है टैक्स लेके तो वो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं काम कर रहा है फिर प्रॉब्लम है। लेकिन इस सब से टैक्स अगर सही से किया जाए तो बहुत कुछ फायदा भी है, जैसे बेसिक टैक्स का आइडिया यही है कि जो लोग अमीर लोग हैं उनका पैसा पे टैक्स लगा के वो पैसा गवर्नमेंट लेती है और गरीब लोगों का मदद करने में यूज करते हैं ना। तो अगर ये चीज सही में करेगा तो होता है, लेकिन इंडिया में जैसा बार बार बात करता है कि क्या है, करप्शन बहुत है, यानी क्या होता है, अगर जैसे
दिल्ली से ये रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपीज आ गया है। हाँ, जब तक उड़ीसा यहाँ कामख्या में पहुंचेगा तब तक शायद 1 करोड़ रह जाएगा, क्योंकि दिल्ली के बाद क्या है, पहले मिनिस्टर लोग होगा, फिर ऑफिस वाला लोग होगा, फिर पुलिस होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते फिर से वीडियो कॉन्ट्रैक्टर, तो यही सब प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सब क्या बैंक का बात करता है, टैक्स, टैक्स में कुछ क्वेश्चन है, बैंक क्या होता है? हाँ, हर कंट्री में टैक्स होता है कई, यानी ये टैक्स कुछ यानी मॉडर्न नहीं है, बहुत पुराना है, यानी कितना हाँ 3-4-5 हज़ार साल से ये टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है। पहले क्या करता था, जैसे अगर मैं चास कर रहा हूँ, खेती कर रहा है ना, पहले 5-6 हज़ार साल पहले तो ज्यादातर वही गुड्स एंड सर्विसेज था, खेती का सामान। तो मैं अगर राइस उगा रहा है, तो अगर 100 किलो राइस उगाता है तो उसमें से 10 किलो मैं राजा को दे देगा या लीडर को दे देगा, है ना, तो वो भी एक तरह का टैक्स हुआ ना। तो ऐसे ही करते करते अब हम पैसे का टैक्स दे रहे हैं। सर, आउट कंट्री का जो कंपनी हमारे देश में काम करता है वो भी टैक्स दे रहा है? हाँ, वो लोग भी टैक्स देता है। नहीं, अगर जैसे वही का ही कंपनी है और यहाँ पे अपना एक नया ब्रांच नहीं खोला है तब शायद नहीं देते है वो लोग। इसमें मैं क्लियर हूँ, इसमें मुझे देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता है, देना चाहिए, देता होगा कुछ। बैंक, हाँ तो सब बैंक तो गया है ना, बैंक क्या होता है? रखा जमा रखा डिपॉजिट कर, क्या करता है बैंक? दो चीजें करता है आपने बोला, क्या? डिपॉजिट सेविंग्स, डिपॉजिट और दूसरा विड्रॉ। वो तो इसी में आ गया, जैसे अकाउंट आप खोल देता है ना, अकाउंट में क्या, आप जब पास पैसा होता है आप डालते हैं अकाउंट में, डिपॉजिट कर देता है, और जब आपको पैसा चाहिए आप क्या करते हैं, निकालता है, क्या बोलते हैं उसको, विड्रॉ। और दूसरा काम क्या करता है बैंक? लोन लेता है, लोन देता है, हाँ, यानी क्रेडिट। क्रेडिट या लोन, ये सब करने से बैंक को क्या फायदा है? पहले चलो बैंक छोड़ो, पहले आप लोगों को क्या फायदा है बैंक में पैसा डालने का? सेफ्टी और इंटरेस्ट, ठीक है, और राइट, और ट्रांसपोर्ट भी इजी है। अगर यहाँ पे भी, अगर दिल्ली में मेरे पास पैसा बैंक में रखा है, मैं यहाँ पे आके मुझे पैसा उठा के लाने का जरूरत नहीं है ना, बैंक में है, यहाँ पर आके एटीएम से निकाल सकते हैं, और ये ठीक है, लोन भी ले सकता है आप लोग, है ना। अच्छा, अब बैंक को क्या फायदा ये सब करके? टैक्स नहीं, अभी टैक्स में इसका नहीं है। बैंक को क्या फायदा है कि अगर जैसे मैं बैंक को, आप लाके मेरे को पैसा दे रहा है, तो मैं आपका 1000 रुपए लेता है, और उसके एक तो 1000 रुपए आपको वापस भी देगा, ऊपर से 1 साल बाद 100 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देगा, 1100 देगा, तो मुझे तो लॉस हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मुझे क्या फायदा है? जो लोन दिया है क्या फायदा बताओ, लोन मांगे तो हां सुन ले जाए, क्या पैसा मिलेगा कोई लोन मांगेगा तो उस, हां हां, अब लोन जब मांगता है कोई तो क्या होता है, पैसा देता है, इंटरेस्ट उसको पैसा देता है, और उसके बाद इंटरेस्ट वापस लेता है ना, ठीक, गिव्स मनी टेक्स इंटरेस्ट, तो यही से बैंक का प्रॉफिट होता है। तो जैसे क्या है, अभी अभी छोटा लेवल का बात है, अभी अगर सोचा बड़ा है, तो अगर 100 लोग 1000-1000 रुपए बैंक में जमा कर रहा है ना, और अब हर कोई जो जमा कर रहा है एकदम से तो वापस पैसा नहीं मांगेगा ना अपना, थोड़ा टाइम के लिए रहेगा वो, 1-2 साल के लिए, जो भी 1 महीना के लिए, और उसमें इंटरेस्ट कम होगा, सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट कम होता है, जैसे 4% या 7% कुछ ऐसा होगा, है ना,
अब वो सब पैसा जो बैंक में जमा है उसका लेके आप क्या कर सकते हैं, उस पैसे को लोन दे सकता है लोगों को, है ना। अब लोन स्पेसिफिक टाइम के लिए दे रहा है, लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, जैसे 10% होगा, तो बैंक को फायदा कहाँ से हो रहा है, बेसिकली हाँ इंटरेस्ट के, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना। हाँ बेसिकली क्या हुआ, मैं अगर बैंक है आपसे पैसा, हरी से हरी ने हजार रुपए डिपॉजिट किया मेरे अकाउंट में, और मेरे को एक साल बाद हरी को 100 रुपए इंटरेस्ट देना है, यानी 1100 देना है, ठीक। वैसी हरी के जैसा और 100 लोगों ने खूब मेरे साथ पैसा सबने जमा कर रखा है, फिर मंगल आता है, मंगल को लोन चाहिए, कितना लोन, 10,000 रुपीज का लोन चाहिए। अब मैं उसको 10,000 रुपीज दे रहा है, उसको एक महीना में 10,000 रुपीज वापिस करना है, और साथ में कुछ इंटरेस्ट 10% देना है, तो मुझे इसको 1,000 रुपीज वापिस करना है ना। तो क्या हुआ, एक महीना में मेरे पास 1,000 रुपीज प्रॉफिट आ गया। उसमें से अगर हरी या एक दो और लोग भी आके मेरे से अब पैसा मांग, बीच में निकालता है इंटरेस्ट, लेकिन एंड में एक साल बाद इंटरेस्ट देना ना इंटरेस्ट को, तो 100 रुपए देगा, उसमें से प्रॉफिट, ये जो दो डिफरेंस है ना इसके बीच का, वही बैंक का फायदा है ना, समझ गया। जिस बंदे को आपको इंटरेस्ट देना है सेविंग्स में, वो आपका कम है ना, इसको बस 100 रुपए देना है, ये मेरे को इंटरेस्ट में 1,000 रुपए दे रहा है, तो इसके बीच में बैंक का प्रॉफिट होता है, ठीक। लोन क्या होता है आप बेसिक समझता है ना, कि क्या होता है, कुछ काम करने के लिए बैंक से लोन लेना है, और एक सेट टाइम के बाद, जैसे 6 महीना या 1 साल के बाद वो पैसा वापस देना है, और इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, मैथ्स में पढ़ा होगा ये चीज, कैसे करता है बताओ, हाँ PRT/100, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, एक कंपाउंड भी होता है, वो तो मेरे को खुद भी याद नहीं है। तो इसमें PRT क्या हुआ, P प्रिंसिपल, यानी माने हाँ जो मेन, अगर ये 10,000 का लोन लिया था तो प्रिंसिपल कितना है, 10,000। R क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे 10%। और T यानी कितना टाइम के लिए लोन दिया है, 1 साल के लिए दिया है ना। तो जैसे पी क्या है, 10,000 है, इनटू आर रेट 10%, यानी 10/100 इनटू 100 पहले से है, और इनटू टाइम कितना है, 1 ईयर या 12 मंथ्स है ना। तो ऐसे करके आप इंटरेस्ट निकाल देगा, कितना आएगा ये, हाँ 1200 है ना। तो यानी 1 साल बाद ये मुझे 1200 देगा, ठीक। यानी ये शायद मैं गलत कैलकुलेशन किया, लेकिन ये फॉर्मूला ये है ना। बैंक और क्या चीजें करता है, और कुछ नहीं करता है, सोना ये सब लेते हैं। हाँ लोन में यूजली क्या होता है कि अगर मेरे को 1 लाख का लोन चाहिए तो मैं जाके अपना स्कूटर या कुछ बाइक सिक्योरिटी उनके पास रख देगा, और वो लोग मेरे को 1 लाख रुपए देगा, उसके बाद 6 महीने बाद मैं 1 लाख रुपए और इंटरेस्ट वापस करेगा, तो वो मेरा स्कूटर मेरे को वापस कर देगा ना, ठीक। सिक्योरिटी बोलते हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस भी करता है बैंक, और भी कहीं, इस पे आप अरिक शर्मानी बेटर आपको बात करेंगे ये सब इंश्योरेंस ये सब पे, तो उसको मैं बोलूंगा आप लोगों के पास में, ठीक। तो बैंकिंग का भी जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, बैंकिंग भी यानी कुछ मॉडर्न वो नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। जैसे पहले आपको क्या पता था, क्या सिस्टम होता था बैंकिंग का, बार्टर ने वो तो बहुत पहला चला गया, बार्टर यानी गोल्ड के, याद है गोल्ड के, हाँ जैसे अगर ये गोल्ड का दुकान है इसके पास, तो मैं इनको अपना गोल्ड है जो 100 किलो 1 किलो गोल्ड इसके पास दे देगा, और ये मेरे को एक पेपर का चिप दे देगा जिसमें लिखा है 100 गोल्ड और अपना स्टैंप लगा देगा, तो अब मेरे को मनी की तरह हो गया वो, लेके मैं यहाँ पे अगर कुछ खरीद रहा है तो इसको दे सकता है, और ये फिर उससे गोल्ड ले लेगा, है ना। तो ये यहीं से ऐसे ऐसे बैंक का शुरुआत हुआ था।
मॉडर्न बैंकिंग का जो सिस्टम है वो इटली में कुछ अराउंड रेनेसांस पड़ा आप लोग 1500 इटली में अराउंड 1500 इटली में बैंक के सब कई परिवार शुरू किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया में आकर ठीक मॉडर्न बैंकिंग इंडिया में अराउंड 1800 की शुरुआत में हुआ था इंडिया का सबसे पुराना और जो अभी भी चल रहा है वो क्या है कौन सा बैंक है सबसे पुराना बैंक ऑफ कैलकाटा था तब ठीक है वो बना था 1806 जब तब यानी कि क्या है 1806 में अभी ब्रिटिशर्स थे ना तो वो लोग बनाया था ये बैंक ऑफ कैलकाटा उसके बाद 1955 में ये बन गया SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है RBI प्राइवेट बैंक कमर्शियल SBI गवर्नमेंट SBI 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 1935 में बन गया RBI RBI का क्या काम होता है करेंसी छापता है कॉइन बनाता है और जितना भी देश का जो बैंक है उसको वो एक तरह से कंट्रोल करता है ठीक है 35 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि देश में कितना पैसा होना चाहिए कितना कॉइन्स होना चाहिए कितना नोट होना चाहिए ये सब RBI डिसाइड करता है प्लानिंग करके इंडिया में अभी भी ज्यादातर बैंक क्या है गवर्नमेंट का ही है ठीक है 91 के बाद कुछ कुछ प्राइवेट बैंक का है ICICI HDFC एक्सिस बैंक ये सब कई बैंक का है लेकिन एक्सिस ICICI यूको नहीं यूको तो गवर्नमेंट बैंक है माइक्रो रिजर्व बैंक गवर्नमेंट नहीं है ना भाई यस बैंक ये सब काफी है कभी और बात करेगा अभी मैं शर्मानी से आप वो ज्यादा अच्छा बताएंगे इस चीज में तो नहीं पता है अभी इंडिया में अराउंड 1,00,000 से भी ज्यादा बैंक है ठीक है ब्रांचेस हर जगह आप देखते हैं ज्यादा हाँ और ATMs भी बहुत ज्यादा है ये सब चल रहा है हाँ ATMs भी कितना है 1,50,000 से ऊपर ATMs है और ज्यादातर SBI का है लास्ट एक दो बात करते हैं बैंक में क्या होता है अगर बैंक का टोटल बैंक में पैसा अगर 100 करोड़ है 100 करोड़ तो वो 100 करोड़ पैसा में नहीं रखता है समझ रहे हैं उसमें से ज्यादातर 70 करोड़ वो बस रिकॉर्ड में होगा कंप्यूटर में होगा 100 करोड़ यानी उसमें नहीं होगा समझ रहा है करेंसी नोट या फिर कॉइन्स में नहीं होगा 70 करोड़ रिकॉर्ड में होगा बाकी 30 करोड़ कैश में होगा है ना जैसे शर्मा ने आप बताया थी कैश और मनी में क्या डिफरेंस है हाँ ऑल मनी इज नॉट कैश मनी वही जैसे रिकॉर्ड भी हो सकता है ना जैसे अगर कल को मैं इससे कुछ खरीद रहा है शीरू से जैसे कुछ खरीद रहा है और उसको दे भी रहा है वापस तभी मैं उसको बोलता है कि हाँ आज ही मेरे को मिक्सर दे लो 10 रुपए नहीं देता मैं उसकी जगह एक दिन हाँ मैं 10 मिक्सर ले लेता उससे 100 रुपए
और एक दिन जाके उसका स्कूटर ले जाके उसमें 100 रुपए का पेट्रोल भर देता है। तो एक दूसरे हम एक दूसरे को पैसा नहीं दे रहे लेकिन फिर भी मनी एक्सचेंज हो रहा है ना हम दोनों के बीच में एक तरह से। तो मनी वही बैंक में ज्यादातर रिकॉर्ड के रूप में होता है, या तो खाता में या फिर आप कंप्यूटर्स में होता है, सब कुछ कैश नहीं होता है। तो इसलिए बैंक का एक रिस्क भी बहुत बड़ा है कि अगर, और ये चीज बैंक में इसलिए चलता है क्योंकि अब जितना भी डिपॉजिट, अगर आप सब एक बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है तो एक ही दिन तो आप सब नहीं जाके बोलेगा ना कि मुझे अपना जितना भी पैसा है वापस चाहिए। ज्यादातर आप सब सेविंग के लिए रखा है, यानी एक दो महीना या थोड़ा थोड़ा करके निकालेगा। अगर 10,000 बैंक में है तो 1,000 रुपीज निकालेगा, तो उसी के चलते बैंक चलता है। लेकिन सोचो अगर किसी दिन आप सब बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपना सारा पैसा चाहिए, तो क्या होगा? बैंक बंद हो जाएगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है ही नहीं। ज्यादातर पैसा बस हवा में है, रिकॉर्ड है, बस कंप्यूटर में एक नंबर है, आपको कैश वो नहीं दे पाएगा अगर आप जाएगा ना। ये सब कुछ भी रिस्क है। एक बार विजय माल्या का नाम सुना है? Yes. हाँ, वो क्यों सुना है? बिजनेसमैन। अभी रिसेंटली वो न्यूज में क्या आ रहा था? इंडिया का ज्यादातर बैंक में लोन लेकर इंग्लैंड में चल गया। हाँ, वो इंडिया से यानी कुछ आई थिंक 9,000 करोड़, ये 9,000 करोड़ का लोन को कई सारा बैंक से लेकर फिर नहीं दिया सर। उसका एक कंपनी था, कंपनी का नाम किंगफिशर। और लेकिन वो भी माल्या अकेला नहीं है, उसके जैसा बहुत लोग है। ठीक है, माल्या बस इसलिए पकड़ गया क्योंकि वो थोड़ा हीरो टाइप का आदमी, वो हर जगह है यानी स्टाइल हीरो टाइप के बन के जाता है, इसलिए वो पकड़ा है। बाकी कई बिजनेसमैन है जो उससे भी ज्यादा पैसा लेके बैठा हुआ है बैंक से और वापिस नहीं कर रहा है, लेकिन उनका नाम नहीं आता है ना। जैसे होता है ना, अगर यहाँ पे भी क्या है, अगर तुम सब जैसे क्या है कुछ शाम को प्रेयर टाइम बंक करके बाहर घूमता है, ठीक है, मान लो नहीं घूमता, तुम बहुत अच्छा बच्चा है ना, लेकिन मान लो सब घूमता है, ठीक है, लेकिन कोई किसी को डांट नहीं पड़ता है, लेकिन एक जो तुम में से मान लो एक दो जीरो लोग है वो बिल्कुल एकदम देवेंद्र सर के सामने जाके एकदम उसके सामने से जाके जाता है और एकदम कैप वैप डाल के एकदम ऐसे हीरो बन के जाता है, तो कौन पकड़ा जाएगा? तुम जो दो लोग है वो पकड़ा जाता है ना। तो ऐसे विजय माल्या इसलिए पकड़ा गया, और उसमें अकेले नहीं लिया वो पैसा, उसका कंपनी लिया है, कंपनी में हजारों लोग होते हैं ना। अभी बस न्यूज भी यही प्रॉब्लम कर देता है, न्यूज बोल रहा है कि विजय माल्या लेके भागा है, वो अकेले नहीं भागा, पूरा कंपनी में जो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैं आप बोल रहा हूँ कि बहुत सारा लोन है जो बड़ा बिजनेसमैन लेके बैठा हुआ है, बैंक को नहीं दे रहा है। 2016 में के अंत तक बैंकों के पास 6,00,000 करोड़ यानी कितना हुआ, 6 लाख ये 2-3 करोड़ के नया है। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाँ, कितना पैसा अभी बैंक्स में, बैंक्स को नहीं मिला है, लोन दे दिया बेसिकली है ना। हाँ, इस चीज को बोलते हैं NPA। NPL मतलब NPL नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि जो एसेट जो होता है कि जो भी आपका ऐसी एसेट एसेट ए एस सी एस ई टी एसेट का मतलब देखना डिक्शनरी में, ठीक, एसेट ए डबल एस ई टी वही जैसे जो आप लोग को न्यूज न्यूज में आजकल क्या है जो मोदी ये सब गवर्नमेंट काफी बोलता है ना कि हमको अपना जो बाहर ब्लैक मनी है स्विस बैंक में वो वापस लाना है, ये सब बात होता है काफी है ना कि बाहर देश में जो पैसा है ब्लैक मनी है उसको वापस लाना है। लेकिन हमारे देश के अंदर भी बहुत सारा ऐसा है जो अभी हमको नहीं मिला है गवर्नमेंट में ना, तो ये सब भी प्रॉब्लम है। बैंक टैक्स और बैंक के बारे में कोई और क्वेश्चन है? बैंकिंग के बारे में कुछ बेसिक ज्यादा मैं भी आपको बहुत बेसिक चीज ही बताया, इससे ज्यादा आपको अच्छे से शर्मा नहीं बताएगी, वो बैंकिंग में एक क्लास लेगा जिसमें आपको बताएगा कि अकाउंट कैसे खोलता है ये सब चीज़ें। अभी मैं आपको बस थ्योरी दे रहा है, प्रैक्टिकल वो आपको बताएगी कि अकाउंट कौन सा अकाउंट खोलना है, किस तरह का अकाउंट खोलता है, कब खोल सकता है ये सब, ठीक, चेक कैसे होता है, कार्ड कैसे बनता है, यूज कैसे करता है,
उसमें और बात करेंगे. अभी जो अभी तक बात की उसमें कोई प्रॉब्लम है डाउट है टैक्स में? टैक्स का तो अभी टेंशन नहीं है, अभी बहुत टाइम है टैक्स देने के लिए, है ना. लेकिन बैंक बैंकिंग जरूरी है, बैंकिंग को संभालना थोड़ा जरूरी है बेसिक, है ना. ठीक है, ओके. बोलो और नहीं है ना, अगला क्लास पे अगर एक गाड़ी है यहाँ पे और इसको एक आदमी आके ए वन मैन आके चुरा लेता है, तो क्या सही है गलत है? गलत है. अच्छा, उसके बाद एक की जगह पांच आदमी आके चुरा लेता है, गलत है. अभी भी गलत है. अच्छा ठीक है, दो मिनट लेगा, मैं बस खत्म कर ही रहा हूं. यूज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, पांच लोग अब तब भी गलत है ना. ठीक, उसके बाद अब क्या है? अच्छा, अब अगर मान लो दस लोग का गैंग आता है, लेकिन उससे पहले जो गाड़ी वाला है यहाँ पे वो क्या करता है, दस लोग पहले वोट लेता है कि ये गाड़ी चुराना है चाहिए कि नहीं चुराना चाहिए, और इस आदमी को भी वोट देता है कि आप भी वोट कर सकता है. तो 11 लोग वोट कर रहा है, और ऑब्वियसली अब ये लोग अगर चुरा रहे हैं तो क्या होगा, वोट बस एक बोलेगा कि नहीं चुराना है, बाकी लोग बोल रहे हैं. तो अभी सही है कि गलत है ये चीज? हाँ, दस लोग ने वोट लेके चुरा है. सर, दस लोगों को पता है ना गाड़ी उसका है, कैसे चुराएगा? लेकिन वो चुरा लिया ना, कैसे चोर क्या, वो इसको हटा के पहले वोट लेके उसके बाद बोला आपने 10 लोगों ने वोट किया है गाड़ी चुराना है तो हम लोग जीत गए, अब आपको गाड़ी दे दो. गलत है. अच्छा ठीक, अच्छा. अब अगर 100 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, 100 लोग 100 पीपल का ग्रुप है, एक मिनट, और वो लोग फिर से वोट लेके इसका गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन इस आदमी को एक साइकिल दे देते हैं उसकी जगह. अभी सही है कि गलत है? अभी भी गलत है. साइकिल सर, 100 लोग एक गाड़ी के लिए इतना, ठीक है सर, 100 लोग एक गाड़ी के इतना नहीं, मान लो ना, अभी ऐसी बस मानने का बात हो रहा है, यानी गैंग है, चोरी चाहे बस 10 लोग कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग का गैंग है, वो लोग भी इन्वॉल्व है, अभी भी गलत है. अच्छा, उसके बाद अब क्या है, 200 लोग का गैंग है, लेकिन अब क्या है, वो इसका गाड़ी ले लेता है, इसको एक साइकिल दे देता है, और साथ में एक और जो एक वहां गरीब आदमी बैठा हुआ था, एक भिखारी, उसको भी एक साइकिल दे देता है. अब सही है कि गलत है? सही है. अभी भी गलत है? लेकिन गरीब आदमी को भी साइकिल दे रहा है सर, दोनों साइकिल के दाम के कार नहीं है वो गाड़ी वाला का. अच्छा, अगर दस गरीब लोगों को साइकिल दे दिया ठीक है. अच्छा, ये एक आदमी बोल रहा है ठीक है, कल बोल रहा है तुम्हारा गाड़ी को ऐसे लेकर तुमको साइकिल सही है सब चीज. तुम ये हो मान लो गाड़ी वाला, और हम लोग सब आके तुम्हारा गाड़ी ले लेता है और बोलते ये साइकिल रख लो, ठीक है. अमीर जो आदमी है उससे पैसा ले रहा है और बोल रहे कि अब हम गरीब लोगों को पैसा के ले रहा है, तो ये सही है गलत है? ये सब बहुत ट्रिकी सवाल है, आप मेरा बात मानो, आप खुद सोचो इस चीज के बारे में, है ना. बस ये चीज दिखाने के लिए चाहिए. ठीक है, ओके.
हाँ हाँ कर दियो ए ना ना।